नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। इस महीने में कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमावस्या की। बता दें, इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में ज्येष्ठ अमावस्या का बड़ा महत्व है। दरअसल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है, और इस बार इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिसके चलते हमें विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा के साथ ही तर्पण और श्राद्ध भी किए जाते हैं। इस दिन जल और गोदान करने का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून 2021 दिन बुधवार को दोपहर 1:57 से हो रहा है, जिसका समापन 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पर होगा। स्नान दान के लिए उदया तिथि 10 जून को प्राप्त हो रही है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या 10 जून को मनाई जाएगी। तो चलिए आगे आपको बता दें कि इस दिन किन कामों को करने से बचना है। अमावस्या पर्व पर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सबसे जरूरी बात, इस दिन तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दाढ़ी, नाखून और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का नशा करने से बचें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को अपना झूठा खिलाएं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। दोपहर में और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप इस दिन का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो आइए आपको बता दें आपको करना क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और तीर्थ स्नान करना चाहिए। महामारी के कारण घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर नहाए। इस दिन पानी में काले तिल डालकर नहाना बेहद फलदायी माना गया है। सूर्य और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह जल्दी पीपल की पूजा के बाद कम से कम 7 परिक्रमा करें। ब्राह्मण को भोजन करवाएं या किसी मंदिर में अन्न और जल से भरे बर्तन का दान करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।